ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो आयरलैंड में सुनसान रिवर के पास अपने फादर के साथ अकेली रहती थी, जिस वजह से उसकी हवस जाग रही थी और वो अपनी गुफा में अपना ही हाथ डालकर सुख की प्राप्ति कर रही थी। कहानी के स्टार्ट होते ही हम आयरलैंड के सुनसान इलाके को देखते हैं। इसके बाद हम एक 17 साल की लड़की को देखते हैं जिसका नाम शैल होता है। वो अपने फादर पिट के साथ इस गैस स्टेशन पर अकेली रहती थी। ये लोग काफी टाइम से यहाँ पर रह रहे थे। पिट कार रिपेयरिंग का काम भी करता था और कभी कभी उसे मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। तब शैल उसके मुँह में कपड़ा रखती थी। जहाँ पर ये लोग रहते थे वहाँ पर मुश्किल से एक दो गाड़ियाँ गुजरती थी और कभी कभी ऐसा भी होता था कि हफ्तों तक कोई भी गाड़ी नहीं गुजरती थी। रात को यहाँ पर ठंड भी बहुत होती थी जिसकी वजह से हीटर ऑन करके सोना पड़ता है। एक दिन शैल जब उठती है तब उसके गैस स्टेशन पर एक गाड़ी आती है। वो उनका रेगुलर कस्टमर ह्यूग होता है जो अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवा कर और उसे पे करके चला जाता है। आज फ्राइडे होता है और अब वो संडे को आने वाला था। दूसरी तरफ हम पिट को देखते हैं जो कार रिपेयर कर रहा था। वो काफी टाइम से काम कर रहा था। तब उसके पास शैल जाकर उसे काम बंद करने के लिए कहती है। रात में जब वो लोग डिनर कर रहे थे तब पिट को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। शैल उसके मुंह में कपड़ा रख देती है। इसके बाद वहाँ पर एक और गाड़ी आती है। ये भी उनका रेगुलर कस्टमर एडम था। आज रात को वो पार्टी करने के लिए पब जा रहा था। वो शैल को चलने के लिए कहता है लेकिन शैल के हालात कुछ ऐसे थे कि वो गैस स्टेशन और अपने फादर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। उसने बाहर की सिटी कभी नहीं देखी थी। दूसरी तरफ पिट भी अपनी इस जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था। अगले दिन पिट जब शावर ले रहा था तब शैल उसके पास आकर उसे टच करने लगा। फिर शैल पूछने लगती है क्या तुम मुझे प्यार करते हो। तब पिट कहता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इन दोनों की बातों से हमें यहाँ पर पता चलता है इन दोनों का रिलेशन कुछ हद से ज्यादा ही है। इसके बाद हम देखते हैं जब ये दोनों अपने अपने कमरे में सो रहे थे तभी शैल के कमरे का हीटर बंद हो जाता है और उसे ठंड लगने लगती है। फिर वो पिट के कमरे में जाकर उसके पास सोने लगती है। पिट शैल से पूछता है क्या हुआ। तब शैल उसे बताती है मेरे कमरे का हीटर बंद हो गया है। पिट कहता है तुम यहाँ पर नहीं सो सकती। शैल उससे पूछती है क्यों नहीं। तब पिट उसके कमरे का हीटर ठीक करने चला जाता है। काफी कोशिश करने के बाद भी हीटर ठीक नहीं होता। इसके बाद वो वापस कमरे में आकर सो जाता है। अगली सुबह पिट जब उठता है तब वो एक पल के लिए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका औजार बाहर आने लगता है लेकिन फिर वो एकदम से वहां से उठकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वहां पर ह्यूग आता है और वो पिट के लिए कुछ कपड़े लेकर आया था जिसे देखकर शैल उसे हग कर लेती है। फिर वो अपने काम में लग जाती है लेकिन ह्यूग की फीलिंग्स जाग उठी थी और वो पीछे से शैल को पकड़ लेता है लेकिन शैल उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। फिर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पिट हीटर को ठीक करने में लगा था तभी वहां पर शैल आकर कहती है इस पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तब पिट कहता है मैं हर रात तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। इसके बाद हम देखते हैं वहां पर एडम आता है और उन्हें बताता है उसकी जॉब चली गई है और उसे गैस स्टेशन पर कोई काम चाहिए लेकिन पिट उसे ये कहकर मना कर देता है यहाँ पर कोई काम नहीं है और हमें उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन शैल चाहती थी एडम उनके साथ रहकर काम करे क्योंकि शैल एडम को पसंद करती थी। इसके बाद हम देखते हैं जाते टाइम एडम शैल से ड्राइव पर चलने की बात करता है लेकिन शैल उसे मना करती है कि वो बिजी है लेकिन बाद में वो मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। फिर वो उस कार में टपा टप करते हैं और कार को डांसिंग कार बना देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उस रात भी शैल पिट के साथ सोना चाहती थी लेकिन पिट उसे उसके कमरे में ही सोने के लिए कहता है। अगली सुबह उनके गैस स्टेशन पर एक औरत अपनी बेटी के साथ आती है क्योंकि उसकी बेटी को वॉशरूम जाना था। उनके जाने के बाद शैल देखती है उस औरत की बेटी अपनी डॉल यहीं पर छोड़ गई है और वो डॉल वापस करने के लिए उस कार के पीछे भागने लगती है। काफी आगे निकल जाने के बाद वो औरत नोटिस करती है और अपनी कार को बैक करती है। फिर वो औरत डॉल लेकर और शैल को थैंक्स बोलकर चली जाती है। जब शैल वापस आती है तब वो देखती है पिट को दौरा पड़ा है और उसे कपड़ा ना मिलने की वजह से वो अपना हाथ पिट के मुंह में रख देती है जिससे उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। इस रात ये दोनों एक ही बेड पर सोते हैं। तभी पिट कहता है मुझे लगा था तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। शैल कहती है मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और वो उसका दिल रखने के लिए कहती है हम दोनों यहाँ पर बहुत खुश हैं। इसके बाद बातों ही बातों में ये दोनों लिमिट क्रॉस करने लगते हैं और किस कर लेते हैं लेकिन तभी शैल अपने आप को कंट्रोल करती है और पिट को रुकने का इशारा देती है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद पिट को गिल्टी फील होने लगता है। शैल सो रही लेकिन पिट सो नहीं पा रहा था। तभी उसे बाहर एक बड़े ट्रक की आवाज सुनाई देती है। फिर वो बाहर आकर उस ट्रक के सामने कूदकर सुसाइड कर लेता है। जोर से आवाज होने के बाद शैल की आंख खुलती है
और वो पिट को ढूंढने लगती है। बाहर आकर वो देखती है एक ट्रक खड़ा हुआ है और वो उसे देखकर समझ जाती है आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। फिर भी वो हिम्मत करके उस ट्रक के पास जाकर देखती है जहाँ पर पिट की मौत हो चुकी थी। ये सब देखकर शैल पूरी तरह टूट जाती है। शैल ने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी लेकिन वो अपने फादर को ही सब कुछ मानती थी और आज वो भी इस दुनिया से चले गए। इसके बाद हम देखते हैं एडम वहाँ पर आता है और वो शैल के साथ ही रुक जाता है। अगली सुबह वहाँ पर एक ट्रक आता है और शैल उसमें फ्यूल भरने लगती है। एडम कॉटेज के अंदर ही था। दूसरी तरफ शैल ट्रक में बैठकर चली जाती है। उसे नहीं पता था आखिर उसे जाना कहाँ है लेकिन वो इस सब से टूट चुकी थी और अब वो एक नई जिंदगी की तलाश में निकल चुकी थी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।